तो भाइयों हम आ चुके हैं पार्ट टू लेके। देख ही सकते हो पार्ट टू में क्या होने वाला है। तो भाई ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर्स छोड़ के और कोई भी देख सकते हो। तो बिना किसी रुकावट बैठ के वीडियो शुरू करते हैं। तो बिगिनर्स को छोड़ के और कोई मतलब है, जिनको स्नाइपिंग को थोड़ा सा प्रो करना है, जो देखना चाहते हो वो देख सकते हैं। तो भाई मैंने यहाँ से ओम उठा लिया, 8x उठा लिया, 6x भी उठा लिया। तो भाई यहाँ पे जो मतलब मैंने बोला था डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट वन मिल जाएगा, तो पार्ट वन प्लीज़ पहले देख लीजिएगा, फिर ही पार्ट टू देखिएगा। क्योंकि भाई पार्ट टू साइड ट्रिक्स का है एंड पार्ट वन मेन ट्रिक्स का है। तो भाई यहाँ पे सेटिंग्स का जो अप्लाइमेंट है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सेटिंग्स में चलते हैं, ठीक है। तो भाई सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ये जायरोस्कोप वाला ऑप्शन दिख रहा है, मैं जो दिखा रहा हूँ वो ऑलवेज ऑन स्कोप ऑन, ऑलवेज ऑन स्कोप ऑन क्लोज दिखा रहा है ना, ऑलवेज ऑन करके देखते हैं। तो भाई ऑलवेज ऑन में बहुतों को प्रॉब्लम होता है, तो भाई जायरोस्कोप ऑलवेज ऑन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ करना है स्कोप ऑन। स्कोप में आपका जायरोस्कोप मतलब सिर्फ स्कोप खोलने पर आपका जायरोस्कोप ऑन होगा। तो भाई यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे स्कोप खोलने पर आपका जायरोस्कोप ऑन होगा। तो भाई एकदम चलते एक अच्छे से प्लेस पे, थोड़ा सा मैं देख लूँ कि ठीक हो रहा है कि नहीं। तो जायरोस्कोप तो सेंसिविटी जो है थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो एकदम रिसेट मार के किया है आपके लिए। तो भाई प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब जो नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो भाई जायरोस्कोप का सेंसिविटी 8x के लिए देख सकते हो भाई, बट ये 8x के लिए नहीं है। मैं बारी बारी से जायरोस्कोप को चेंज करूँगा सेंसिविटी। तो एक बार मैं 85 तक ले जाते, 84 किया, ठीक है। देख सकते हो कितना मतलब आ रहा है। तो देख सकते हो जायरोस्कोप आपको एक मतलब थंब से कंट्रोल करके आप जायरोस्कोप मोबाइल हिला या एंड्रॉयड फ़ोन कुछ भी हिला के आप मतलब अपने स्कोप को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो भाई जायरोस्कोप क्यों मैं पार्ट टू लाना चाहता था आप समझ ही गए होगे, क्योंकि भाई ये जो जायरोस्कोप वाला मसला है वो किसी बहुतों को पसंद नहीं है। तो भाई जायरोस्कोप से देख सकते हो कितने अच्छे से स्नाइपिंग हो सकता है, और भाई स्कोप ऑन पे रखोगे तो आपका पूरा गेम में मतलब ये यूज़ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ स्कोप खोलने पर ही तो आपको मतलब यूज़ करना होगा। तो भाई जायरोस्कोप और आपके खेल को प्रो बना सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिप्ले लेफ्ट साइड फायर बटन, इसको ऑलवेज ऑन रखना है। स्कोप ऑन पे भी रख सकते हो बट ऑलवेज ऑन रखना ही बहुत सुविधा है। और भाई यहाँ पे और कुछ सेटिंग्स तो मुझे दिख नहीं रही कि आपको बताओ। तो भाई एकदम चलते हैं डायरेक्ट मे बैक पे, और भाई यहाँ पे मैं आपको और एक साइड ट्रिक, जो जायरोस्कोप फर्स्ट ट्रिक था, फर्स्ट साइड ट्रिक बट मेन ट्रिक, और देन चलते हैं सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक जो है भाई यहाँ पे आपको प्रोन होके या क्राउच पिक होके फायर करना है। प्रोन ज़्यादा सजेस्ट करूँगा, क्योंकि भाई प्रोन आपका रिकॉयल जो है वो बहुत गुना कमा दे मतलब घटा देता है। और भाई यहाँ पे देखोगे मैं प्रोन से स्नाइपिंग करूँगा अभी, तो मैं जगह खोजता हूँ पहले प्रोन से का किस जगह पे स्नाइपिंग करूँगा। तो वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो रहा है कि नहीं, नहीं ठीक है 3 मिनट का ही है। तो भाई यहाँ पे मैं प्रोन हो जाऊँ, पहले प्रोन हो जाऊँ फिर क्राउच एंड पिक फायर देखे मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुको। तो भाई यहाँ पे मतलब भाई लोगों यहाँ पे दिखा रहा हो कि भाई प्रोन मतलब स्नाइपर में तो प्रो बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल्स में तो भाई प्रोन हो के कोई मतलब खेल में मज़ा ही नहीं है, उसमें रिकॉयल ही नहीं है, बट ऑल में रिकॉयल होता है। और भाई रिकॉयल होता है इसीलिए मैंने ये MK14 एंड ये Mini14 चूज़ किया है। दोनों में एक में 6x, एक में 8x लगा हुआ है। और भाई देख सकते हो मैं क्राउच पीक करके ये शूट कर रहा हूँ, अभी प्रोन करके भी आपको दिखा होगा। देख सकते हो क्राउच पिक में कोई मतलब ज़्यादा रिकॉल नहीं आ रहा है, आपको अभी प्रोन करके दिखा होगा। ये 6x में, 6x छोटा सा जायरोस्कोप है, तो भाई 6x का जो जायरोस्कोप है वो मैं बाद में बता दूंगा सेंसिविटी। तो भाई चलते हैं देख सकते हो कितना अच्छा जायरोस्कोप से सेंसिविटी मिल रहा है मेरे को। 8x में चला रहा हूँ मैं, ये 8x में चला रहा हूँ Mini14। तो भाई यहाँ पे देख सकते हो मैं चेंज करूँगा, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे को। तो 6160 में सही रहेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। तो मुझको यहाँ पे देख रहा है एक बोट, तो मैं मार रहा हूँ, देखता हूँ लगता है कि नहीं। तो थोड़ा सा और परेशानी तो हो रहा है भाई, क्योंकि भाई स्कोप जो है बहुत जल्दी जल्दी हिल रहा है। तो गन पास
से मार के देखता हूँ कि होता है कि नहीं। तो अगर ज़्यादा होता है, हाँ हो रहा है ज़्यादा, तो भाई ठीक ही है, बट ज़्यादा हो रहा है तो मुझको थोड़ा सा और डाउन करना पड़ेगा शायद। देख लेता हूँ MK 14 में क्या हो रहा है। 8x स्विच कर लेता हूँ, तो 8x स्विच करने के लिए मुझको देख सकते, सॉरी फोर्थ बढ़ा दिया मैंने बहुत, तो मैं इसको 45 तक ले आ सकता हूँ, देखता हूँ। 36 में बहुत मुश्किल हो रहा है, हिल नहीं रहा ठीक से, तो मुझको थोड़ा सा मतलब बढ़ाना होगा इसको। तो यहाँ पे अरे यार 45 या 44 ठीक रहेगा, देखते हैं 45 ही ठीक रहेगा, तो वो देखते हैं। हाँ 45 एकदम ठीक है, मैं आराम से मार सकता हूँ। तो भाई ये जो ट्रिक है भाई बहुत बढ़िया होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना अच्छा जायरोस्कोप प्रोन एंड शूट मुझको मिल रहा है। तो भाई ये है कुछ साइड ट्रिक्स एंड जो भाई देख सकते हो कितना अच्छा मतलब जायरोस्कोप दे रहा है। भाई मैं इसलिए पार्ट वन में मेन ट्रिक्स बता रहा था क्योंकि भाई सेकेंड जो साइड ट्रिक्स सेकेंड पार्ट में जो साइड ट्रिक्स आने वाला था वो था जायरोस्कोप, और भाई जायरोस्कोप में बहुतों को बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए भाई मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको AKM लेके बहुतों ऑटो में AKM को 6x में चलाते तो क्या होता है, मैं दिखा रहा हूँ। देखो कितना मतलब बुरा चल रहा है, मतलब एक शॉट देता हूँ तो भाई दो शॉट कभी कभी निकल जा रहा है। तो भाई दो शॉट क्यों निकलेगा, तो मुझको इसको सिंगल कर देना होगा इस ऑटो को, मतलब AKM के ऊपर जो छोटा सा ऑटो लिखा हुआ है उसको सिंगल कर देना है आपको। और भाई सिंगल करके देखो मारोगे, रुको मैं मार रहा हूँ, पहले ऊपर उठ के मारता हूँ मतलब क्राउच बंद करके मारता हूँ, क्राउच पे मार रहा हूँ। तो भाई देख सकते हो भाई मतलब हो रहा है रिकॉयल, अभी प्रोन करके मारता हूँ तो भाई देख सकते हो कितना रिकॉयल घट गया है। तो भाई इसीलिए मैं साइड ट्रिक्स बोल रहा था इनको, और भाई मतलब ये तो आपका मतलब बहुत प्रो कर देगा। तो बाय बाय दोस्तों, पार्ट 3 आएगा।